आईपीएल 2025 में कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ का बिका और दोस्तों कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका, आइए दोस्तों जानते हैं आईपीएल 2025 में बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट और दोस्तों ये भी जानते हैं कि इस मेगा ऑप्शन के पहले दिन किन खिलाड़ियों पर बरसे पैसे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें पहली बोली किस पे लगी, तो पहली बोली इस बार अर्शदीप सिंह पर लगी और दोस्तों अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ में पंजाब किंग्स ने अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरी बोली कगिसो रबाड़ा पर लगी और रबाड़ा को 10 करोड़ 75 लाख में गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी बोली लगी 26 करोड़ 75 लाख रुपए की और दोस्तों ये बोली श्रेयस अय्यर पर लगी और अय्यर को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है और पंजाब किंग्स के कप्तान अब लग रहा है अय्यर ही होंगे। इसके बाद अगली बोली जॉस बटलर पर लगी और दोस्तों जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख में अपने नाम कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। इसके बाद दोस्तों आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली ऋषभ पंत पर लगी, जहां ऋषभ पंत को पूरे 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम कर लिया है और दोस्तों अब लखनऊ के कप्तान लग रहा है कि ऋषभ पंत ही होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया है। इसके बाद 7 करोड़ 50 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डेविड मिलर को खरीद लिया है। इसके बाद दोस्तों यजुवेंद्र चहल पर 18 करोड़ की बोली पंजाब किंग्स ने लगाई और उन्हें अपने नाम कर लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज 12 करोड़ 25 लाख रुपए में अब गुजरात टाइटंस के हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स के हो चुके हैं और दोस्तों दिल्ली के कप्तान अब केएल राहुल ही होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों 9 करोड़ 75 लाख रुपए में रविचंद्रन अश्विन को सीएसके की टीम ने अपने नाम कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जैक फ्रेसर को 9 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने साइन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों 6 करोड़ 25 लाख रुपए में डेविन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और इसके बाद 2 करोड़ रुपए में एडिन माकरिम को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम करा। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख में हैरी ब्रूक को अपने नाम कर लिया है। इसके बाद 8 करोड़ 75 लाख रुपए में लिविंगस्टन आरसीबी की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और दोस्तों इसके बाद एक और बड़ी बोली लगी और ये बोली वेंकटेश अय्यर पर लगी, जिन्हें 23 करोड़ 75 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों मार्कस टोनिस पंजाब ने खरीदा 11 करोड़ रुपए में। इसके बाद दोस्तों मैक्सवेल को पंजाब ने खरीदा 4 करोड़ 20 लाख रुपए में। इसके बाद मिचेल मार्श को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा 3 करोड़ 40 लाख रुपए में। इसके बाद राहुल त्रिपाठी को चेन्नई ने खरीदा 3 करोड़ 40 लाख रुपए में। इसके बाद क्विंटन डीकॉक केकेआर के हो गए 3 करोड़ 60 लाख रुपए में। इसके बाद हर्षल पटेल 8 करोड़ में हैदराबाद की टीम का हिस्सा बने और इसके बाद फिलिप सॉल्ट को आरसीबी की टीम ने 11 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इसके बाद रहमतुल्ला गुलबाज को 2 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने खरीदा। इसके बाद जितेश शर्मा को 11 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा। इसके बाद ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद के हो गए। इसके बाद 12 करोड़ 50 लाख रुपए में हेजलवुड आरसीबी की टीम का हिस्सा बन गए और 9 करोड़ 50 लाख रुपए में प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा बन चुके हैं।